दोस्तों आज यानी कि 25 दिसंबर 2021 को YouTube के कुछ अपडेट निकल कर आए हैं, लेकिन जो अपडेट हमें चाहिए थे वो अपडेट नहीं आए हैं। और सभी यूट्यूबर्स ने बता दिया भैया अपडेट बहुत दमदार है, मज़े आ गए, लेकिन कुछ इतने खास अपडेट नहीं है। और जो अपडेट हमें चाहिए थे वो क्या थे और क्या YouTube निकाले क्या है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तीन अपडेट है आपको इतने कम टाइम में बताऊंगा जितने सभी यूट्यूबर नहीं बता पाते ना। फर्स्ट अपडेट, काफ़ी बार हम मोनेटाइजेशन के लिए अपना चैनल अप्लाई कर देते, YouTube रिजेक्ट कर देता था, समझ में नहीं आता था उसको, ठीक है। हम अपील करते थे तो इंग्लिश हम सही से लिखते नहीं थे, इसके कारण से YouTube को समझ में नहीं आता था एक्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हो, और वो फिर रिजेक्ट कर देता था। इसलिए YouTube एक ऑप्शन लाएगा जहां पर आप वीडियो बना के YouTube को समझा सकते हो कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपका मोनेटाइजेशन ऑन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सारा आपका खुद का कॉन्टेंट, ये सारी चीज़ बोल सकते हो। खास चीज़ ये है, ये इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में जिस भी लैंग्वेज में चाहें उसमें आप बोल सकते हैं जो YouTube सपोर्ट करता है। अपडेट नंबर टू, कम्युनिटी टैब, अब 500 से कम सब्सक्राइबर्स जिनके होंगे उनको भी काफ़ी जल्द मिलने लगेगा, मतलब सभी चैनल पर ऑलमोस्ट कम्युनिटी टैब मिलने लगेगा, और डिस्कशन टैब है उसका कुछ यूज नहीं करता है, उसको हटा दिया जाएगा। अपडेट नंबर थ्री ये है, यूट्यूब एप्लीकेशन है जो कमेंट्स होते हैं उसको आप ट्रांसलेट कर पाओगे, एंड YT स्टूडियो एप्लीकेशन में आपको काफी जल्द सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको PC लैपटॉप में मिलते थे। ये थे कुछ अपडेट्स। अब बात करते हैं कि इसमें इतना खुश होने वाली बात कुछ खास नहीं है, ठीक है। जो मेन हमें अपडेट चाहिए था वो ये चाहिए था कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक, ये जो सिस्टम है यूट्यूब का, ये बदलना चाहिए। क्यों? तीन कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं, चैनल टर्मिनेट हो जाता है, इसको यूट्यूब चेंज करें। जब YouTube यही नहीं समझ पाता स्ट्राइक रियल है या फेक है और इतना बड़ा एप्लीकेशन लिए बैठा है, तो फिर काहे का YouTube? ये अपडेट में कुछ निकाल देना इसमें कि जो फेक स्ट्राइक मारते हैं CMS वगैरह से, इस पर हम एक्शन लेंगे कुछ, वो नहीं निकालेंगे अपडेट, सिर्फ अपने फायदे के लिए। कम्युनिटी टैब ज़्यादा लोगों को देंगे तो उससे उनका फायदा होगा, ज़्यादा चैनल मोनेटाइज होंगे तो उससे उनका भी फायदा होगा, 45% वो भी रखेंगे अर्निंग, समझ रहे हो। इसलिए बाकी जो अपडेट हमें चाहिए थे एक्जैक्टली उसमें कुछ खास अपडेट नहीं है। कॉपीराइट स्ट्राइक जो फेक पड़ रही है आज के टाइम में, काफी इस पर यूट्यूब को अपडेट निकालना चाहिए, नहीं निकालेंगे, पता नहीं क्यों। उन जो स्कैमर्स हैं जो ये सब करते हैं फेक स्ट्राइक वगैरह, उनसे मिले बैठे हैं यूट्यूब भी, पता नहीं क्या, कभी नहीं सुनता है कोई। इतने सारे ट्वीट किए हैं, इतने सारा मेल किया है यूट्यूब को, यूट्यूब को भी पता है फेक स्ट्राइक आती है, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लेता है यूट्यूब। अब क्यों नहीं लेता है वो यूट्यूब ही जाने। और यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर को तो पता नहीं है फेक स्ट्राइक चल के आ रहा है, ठीक है ना, उन्हें इसको सोल्यूशन बताया और वो यहाँ पे वीडियो बनाकर बता दिया YouTube बहुत अच्छा कर रहा है, YouTube बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा अपडेट निकाल रहा है, ये कर दिया वो कर दिया। भैया कुछ नहीं कर दिया, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और जो ना करें ना तब भी बढ़िया रहे। अरे कम्युनिटी है, आप 500 सब्सक्राइबर के बाद भी दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉपीराइट स्ट्राइक का सिस्टम है फेक पड़ जाती है लोगों को और वो डिमांड करते हैं फिर पैसों की, इतने किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, अपडेट निकालो तो इस पर निकालो ना, लेकिन नहीं निकालेंगे, पता नहीं यार क्या ये है। सो यो वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं बोलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।